लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ सरहद पर फिर गर्जी तोपें, गरुम में भी बने गोलू के निशाने, अवाम नकली मकानी पर मजबूर। जम्मू कश्मीर सरकार पर बातचीत हनूज जारी, पीडीपी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी भाजपा कर रही है बात। कड़ाके की कश्मीर में ठंड भी जारी, दिल्ली में हो पड़ रहे हैं बारिशें तो कश्मीर में बर्फ की है उम्मीद। एजाज उर्दू खबरनामा लेकर, और अभी तक के उर्दू खबरनामे में सबसे पहले दुनिया की नहीं बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर भी हो सकती है। जी हां, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ बैन अक्वामी सरहद पर हालिया तनाव के आसार अब खूब गरजने लगे हैं, और बाज एजेंसी इतलात के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ पाकिस्तानी अफवाज ने सरहद की तरफ जो पेशकदमी की है, और लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगर जो भारत की तरफ से बीएसएफ तैनात है, वहीं उस तरफ से ये रेंजर्स काम निभाते हैं, और अब रेंजर्स के बजाय पाकिस्तानी अफवाज की पेशकदमी किसी मार्के का पेश खेमा ही हो सकती है। नए साल की आमद के मौके पर इस बात की उम्मीद थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अमन और बेहतर ताल्लुकात की बहाली के लिए तवज्जो देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और इस नए साल के आगाज से ही दोनों मुल्कों के दरमियान जम्मू कश्मीर की बैन अक्वामी सरहद पर जंगी सुरख्याल शुरू कर दी। हिंद पाक अफवाज के दरमियान जारी कशीदगी और जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों से सरहद पर सख्त तनाव की सुरख्याल जारी है, और सरहद के दोनों अतराफ के रिहायश पजीर इलाकों से लोग नकली मकानी करने के पर मजबूर हो चुके हैं। इसी दौरान मालूम यह भी हुआ है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक में रहने वाले लोगों ने अपने घरों को छोड़ना भी शुरू कर दिया है। साल 2014 की तरह ही नए साल 2015 में भी दो पड़ोसी मुल्कों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाव और कशीदगी की सुरख्याल जारी है, और नए साल की आमद के मौके पर जहां दुनिया भर में अमन खुशहाली की उम्मीद को लेकर नए साल का इस्तकबाल किया गया, वहीं दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतर आने के बजाय तलखियां मजीद बढ़ गई हैं। साल नौ के मौके पर सब इसकी उम्मीद लगाए हुए थे कि अब की बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए खैर सगाली का पैगाम देंगे, लेकिन हुआ इसके बरक्स, और दोनों मुल्कों की फौजों ने एक दूसरे पर बंदूकों और मोर्टार के दहाने खोलकर गोलीबारी की। एक दूसरे के फौजी ठिकानों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को बराबर निशाना बनाया जा रहा है, और आवाम जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ सरहद की जो आवाम है पूरी तरह परेशान है। आज रात भी लाइन ऑफ कंट्रोल और सरहद पर गोलाबारी होती रही, बड़ी खबरें आ रही हैं, तश्वीशनाक खबरें आ रही हैं, और क्या है लाइन ऑफ कंट्रोल पर ताजा जानकारी ये जानने के लिए हम जम्मू चलते हैं विनोद कुमार के पास। विनोद कुमार से हमारा टेलीफोन पर रब्ता हो रहा है। विनोद जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जानना चाहेंगे आपसे। जी सनम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बड़ा दहशत का माहौल है। मैं खुद आईबी पर हूँ, यहाँ पे हिस्टर सेक्टर में, यहाँ पे लोगों में दहशत है। एडमिनिस्ट्रेशन ने कमर कसली है कि इनको माइग्रेट ना करना पड़े। जो सुरक्षित शिविर है, जिनको हम आधार शिविर कहते हैं, वो दो लास्ट टाइम जब फायरिंग हुई थी, जो बनाए गए थे सरकारी बिल्डिंग्स में, स्कूलों में, पंचायत घरों में, उनको दोबारा से साफ सफाई की जा रही है ताकि वहां पे उनको शिफ्ट किया जा सके। आपको बताएं कि रात को तो 9:30 बजे हैवी शेलिंग की ही की थी, और उसके बाद आज सुबह से लगातार रुक रुक के हैवी शेलिंग की जा रही है, और आज सुबह एक किसी मकान में यानी रिहायशी इलाके में बड़ा बॉम्ब गिरने से 5 लोग हो चुके हैं, जिनमें से एक को जम्मू मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है, और दोनों से गोलीबारी चल रही है, क्योंकि पहली मरतबा पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि भारत माकूल जवाब दे रहा है और जिसकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। विनोद जी, थोड़ा सा हमें विस्तार से बताइए कहाँ कहाँ गोलीबारी हो रही है, और लोगों के लिए किस तरह के प्रयास इंतजाम किए हैं सरकार ने उन्हें वहां से रेस्क्यू करने के लिए। देखिए सर,
जो सेक्टर है सांबा है और सब सेक्टर हीरा नगर है, इसके बीच में करीब 60 गांव पड़ते हैं जो इस फायरिंग की चपेट में है, चाहे वो लोंडी हो, बब्याल हो, इतने भी गांव हैं, इनमें दहशत का माहौल बना हुआ है, गांववासी डरे हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद उनको कहा है कि आप ज्यादा एक्सेट ना करें, फिलहाल अपने घरों में बने रहें, बाहर निकलेंगे तो वो पाकिस्तान टारगेट बना सकता है। तो ये कुल 60 गांव हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे, ये पूरी तरह गोलीबारी की चपेट में है। विनोद जी, ये भी खबरें आ रही हैं कि एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के उस तरफ से पाकिस्तान की जो रेगुलर आर्मी है वो फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? सनम, इसमें कोई राय नहीं है कि पाकिस्तान चाहता है कि किसी न किसी तरीके से कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे और ये साबित करे कि इंटरनेशनल लेवल पर ये इशू है, कश्मीर जो इशू है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर इशू का मुद्दा सामने, और यही कारण है कि वो लॉन्चिंग पैड पर बैठे जो मिलिटेंट्स हैं उनको इन्फिल्ट्रेट करवाने के लिए लगातार कोशिश हो रही है। आज धुंध थी, धुंध का सहारा लेकर के इन्फिल्ट्रेशन कराने के लिए भी आज भारी कवर फायर दिया गया और रिहायशी इलाकों को भी टारगेट बनाया गया है। जितने भी लॉन्चिंग पैड है वहां पे मिलिटेंट्स इंतजार कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से घुसपैठ करें और बड़ी वारदात को अंजाम दे, क्योंकि बराक ओबामा जो है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति है, वो 26 जनवरी को भारत के दौरे पर और खास मेहमान है गणतंत्र दिवस को लेकर के, तो उससे पहले एक आतंकी या उस दिन बात को अंजाम देना चाहते हैं। यही कारण है कि लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है और सीजफायर के उल्लंघन की आड़ में घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है। चलिए विनोद जी, अपना ख्याल रखिएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलीबारी हो रही है, एक बार फिर रात भर गोलीबारी हुई है। हमारे साथ ही विनोद कुमार जम्मू से पूरी जानकारी दे रहे थे लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर की, और एक बार फिर अपने जो नाज़रीन हैं, दर्शक हैं हमारे, उनको बताते चलें कि फिर गर्म हो गई है सरहद के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर और गोलीबारी हो रही है, आम लोग परेशान हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है उनको, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और जिस तरह से इंतजाम होते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर वो किए जा चुके हैं ताकि जानी नुकसान न हो। हमारे साथी विनोद जी बता रहे थे कि आज यहाँ पे रात को 5 लोग, एक घर पे गोला गिरा है, 5 लोग जख्मी, उनमें से एक को मेडिकल कॉलेज जम्मू दाखिल किया जा चुका है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के साथ साथ बैन अल-अक़वामी सरहद पर भी तनाव, और इस तनाव से हमें कौन बचाएगा जम्मू कश्मीर के लोगों को, ये दोनों ममालिक के अहदेदारान ही समझ सकते हैं और उन्हें ही कुछ करना होगा, क्योंकि इससे अवाम मारी जाती है, अवाम का नुकसान होता है दोनों तरफ से। तो चलिए ये दूसरी खबर की बढ़ते हैं। उधर श्रीनगर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने इसी तरह की गोलाबारी पर कहा है कि भारत पाक के दरमियान कशीदगी से जम्मू कश्मीर के अवाम मुतासिर हो जाती है। श्रीनगर की जामा मस्जिद में कल नमाज जुमा के मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान मीरवाइज उमर फारूक ने बताया कि बरसगीर में देरपा अमन के लिए जम्मू कश्मीर का सियासी मसले का हल जरूरी है और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चाहती है कि सैफ फरीकी मुजाकरात के जरिए मसले कश्मीर का हल तलाश किया जाए। और भी गम है जम्मू कश्मीर में सरहद के सिवा, जी हाँ, और बड़ा गम इन दिनों जम्मू कश्मीर में सरकार की तश्कील का है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार की तश्कील के हवाले से पीडीपी फिलहाल उलझन में है और पार्टी ये फैसला नहीं कर पा रही है कि सरकार बनाने के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाए। नई सरकार की तश्कील के हवाले से जहां जारी ततुल की सुरताल के बीच पीडीपी के सरपरस्त आला मुफ्ती मोहम्मद सईद और बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर
अरुण जेटली के दरमियान एक टेलीफोनिक बातचीत होने की भी खबर मिली है और मालूम हुआ है कि दोनों के दरमियान नई दिल्ली के लिए नई सरकार के लिए पीडीपी और बीजेपी के इत्याद करने के तय और तरीकों पर तबादला ख्याल हुआ। बताया ये भी जाता है कि दोनों लीडरों ने नई सरकार के लिए एक दूसरे के नुकता निगाह से एक दूसरे को आगाही दी और वजीर और आला तरीन जराये से ये भी मालूम हुआ है कि पीडीपी और बीजेपी के दरमियान अब फैसला को रस्मी बातचीत के लिए राह हमवार हो चुकी है और करीबन 10 तारीख को जम्मू कश्मीर में नई सरकार जो है वो हल भी लेगी। ये हमारे पास जराये के हवाले से खबर आ रही है और नई सरकार की तश्कील को लेकर पीडीपी और बीजेपी ही सबसे ज्यादा तजब्जब और परेशानी की सुर्खियों से अभी तक दो चार हैं। सबसे ज्यादा पीडीपी ही मगमस्से में है। पीडीपी अगरचे सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन सरकार बनाने के लिए इसके पास अक्सरियत नहीं है और बीजेपी या ग्रैंड अलायंस के हवाले से हुकूमत साजी के लिए पीडीपी की आला कयादत उलझन का शिकार है। आगे खाई पीछे कुआं और सरकार बनाए तो कौन सा रास्ता अख्तियार करें और जितने भी रास्ते हैं वो आसान नहीं हैं और पीडीपी जराये का ये भी मानना है कि बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद अपनी पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ सलाह मशवरा जारी रखे हुए हैं और जराये के मुताबिक मुफ्ती मोहम्मद सईद बीजेपी या एनसी कांग्रेस ग्रैंड अलायंस के बारे में भी अपने जमात के लीडरान और कानून साजिया के मेम्बरान से फीडबैक हासिल कर रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने पर बीजेपी सदर अमित शाह ने कल शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सभी लोगों से बातचीत जारी है और जल्द ही इसके नतीजे सामने रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में न सिर्फ पीडीपी के साथ बातचीत हो रही है बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी सरकार बनाने पर बातचीत हो रही है। 7-8 महीने पहले देश कहां जाएगा उसके बारे में देश की जनता के मन में एक बड़ा संशय था, विश्वास नहीं था। सबसे बड़ी बात अगर इस मोदी सरकार की उपलब्धि है तो जनता का विश्वास अर्जित करने में मोदी सरकार सफल रही है। इसी के कारण आम चुनाव के बाद जो 4 राज्यों के चुनाव आए चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली है। 3 राज्यों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से आज शासन कर रहा है और जम्मू कश्मीर में भी हम सबसे ज्यादा वोट प्राप्त कर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और हल्का इंतखाब नगरोटा से कामयाब उम्मीदवार दविंदर सिंह राणा ने एक अवामी जलसे के दौरान अपनी कामयाबी पर वोटरान का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि आइंदा भी वो लोगों के लिए अपने आप को वक्फ रखेंगे। नगरोटा में एक जलसे के दौरान उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि वो बुनियादी सहूलियात को लेकर आवाम की मुश्किलात को हल कराने की भरपूर कोशिश भी करेंगे। इस इलाके की तरक्की कराई जाए, आजकल ये होया आज तक ये होया जेड़े लोग एमएलए बने उन्हें जात बरादरी और मजहब के फर्क करिए इत्थे काम किया। अस लोग मैं तुहाडे अगे बिनती करना कि अज सारे कट्ठे हो जाओ, अज सारे कट्ठे होइए, इक्को ही है, एक सिर्फ अपना मिशन बनाओ और वो मिशन होए इस नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरक्की। हाँ तुस कुसे भी जमात कन्ने ताल्लुक रखदे हो अज मेरे हाथ कन्ने हाथ मिलाओ, कल नवा कल होएगा। जिसे 6 साल के बाद इलेक्शन आएगी पावे मेरे मुखालिफ खड़े हो लेकिन आज नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में सीएपीडी में काम करे मजदूरों ने महकमे के खिलाफ एक एहतियाती मुजाहरा किया। फूड एंड अलाइड वर्कर्स कश्मीर के बैनर तले मुजाहरीन ने बताया कि जिस तरह से एफसीआई मजदूरों को उजरत दी जा रही है उसी तरह उन्हें भी उजरत दी जाए। मुजाहरीन ने कहा कि अगर महकमा ऐसा नहीं कर सकता तो उन्हें महकमे में मुस्तकिल क्यों नहीं किया जाता है। कि जो एफसीआई के लेबर उजरत लेते हैं सर महकमे से हमें भी वो उजरत बराबर मिलनी चाहिए। अगर सरकार उतना नहीं दे सकते हैं तो हमें अपने डिपार्टमेंट में मुस्तकबिल तौर एडजस्ट करना चाहिए, हमें परमानेंट नौकरी परमानेंट बुनियादों पर डिपार्टमेंट में रखना चाहिए। हमारी डिमांड है जो एफसीआई के लेबर 355 रुपये दिन में लेते हैं हमें भी वो 355 रुपये मिलते हैं जबकि सरकार उसके बदले हमें 150 रुपये देते हैं दिन में जो एक महीने में 4,500 रुपये बनते हैं। 4,500 रुपये में हमारा घर का गुजारा भी नहीं चलता है। हमारे
اور کنگن کجپورہ سے آئے ایک وفد نے سری نگر کے پریس کالونی میں احتجاجی مظاہرہ کیا، جس دوران مظاہرین الزام عائد کرتے ہوئے بتایا کہ کچھ لوگوں نے کجپورہ کنگن میں مسجد کے لیے وقف رکھی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اگرچہ بات ضلع ترقیاتی کمشنر گاندربل کی نوٹس میں بھی لائی گئی، تاہم ابھی تک ان کے خلاف سرکار نے کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی۔ پتہ تران اڑ زمین ہند تو نفر اخ تمس نام محمد یوسف میر تو اصلی محمد یوسف ڈگا تم تھوان پانس محمد یوسف میر سہ جناب برو ات مز ایس ٹی ایفس مز تو کالس تو تم کس دباوس تل روٹ تم تور کن سو زمین ہند بنونس یہ کھولن بنو تک مز شڈ وڈ ٹینو تو پہ درائے اس گاؤں ول دس کر مسجد شریف خاطر تو ٹھیک روی ٹھیک پن بوئے تو یہ کر تم نظ مون کی چونکہ تمس سہ ہوت مز ایس ٹی ایفس مز تو کھوت تو اس تور زیادہ تمہ سات کھین تو اوتر اوترے کور تم بنو کور تم تک کنسٹرکشن تو کھول تم سہ ہور پہنس پہ اس گئی ڈی سی صوبس ڈی سی صوب گاندربل تو تمو دیت لیکھت ایس ڈی ایم کنگن بیس دیت لیکھت یہ تحصیل دار کنگن تو تمو کور خاص کور تمو کی حروت پن کام کران تو پہ درائے ساری گاؤں ول اوتر اکہ دہ تو پہ کور اس زور سہ کام بند تو تم تہ درائے پہ تم ساری گھر ول تو لائق کانہ وانہ بیس درائے تم تبر وبر ہیت بیس گو الٹ کورن پہ کیس تقریباً اس ترہن نفرن کیس گامس مز ونکس زو گروپ اخ عدالت کنگنس مز تو بیاک عدالت گاندربلس مز تھون تمن یہ کیس کر۔ ایس ٹی ایف کا عہدیدار اور کجپورہ کنگن میں زمین پر کر رہا ہے قبضہ، اور ایس ٹی ایف سے اکثر کشمیر میں لوگ ڈرتے ہی رہتے ہیں، اور سرکار سے اب گزارش ہے کہ ایس ٹی ایف والے سے جان بچائی جائے۔ فی الحال اور بھی معاملات، اور جموں کشمیر میں بجلی کا معاملات، وادی میں جہاں موسم سرما شروع ہوتے ہی محکمہ بجلی اکثر سرخیوں میں رہتا ہے، وہیں اتر سو شانگس کے لوگ پچھلے کئی دنوں سے محکمے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ محکمے کی غفلت شاری کی وجہ سے علاقے میں بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ ایک مہینے سے جاری ہے اور لوگ کافی پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک محکمہ بجلی علاقے کی بجلی سپلائی کو یقینی بنائے گا تب تک ان کا احتجاج بھی جاری رہے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس بجلی کیوں نہیں ہے۔ جب ہم نے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے بات چیت کی، انہوں نے بولا لوڈ زیادہ ہو رہا ہے۔ لوڈ زیادہ اگر ہو رہا ہے تو یہ ان کا کام ہے، ہیٹر اٹھانے ان کا کام ہے۔ یہاں سب سے بڑا مین مقصد جو ہے کہ ایک ایک ٹرانسفارم کے اوپر اگر 60 لائنیں آتھرائز ہیں تو 20 یا 25 لائنوں کے اوپر نہیں ہیں، الیگل ہیں۔ 20-25 الیگل ہیں، وہ کس نے درج کرانی ہے؟ وہ کشمیر کا اتر سو شانگس بجلی کے لیے پریشان، لیکن جموں کا گرما بھی بجلی کی مار کو جھیل رہا ہے۔ جموں کشمیر میں بجلی ٹرانسفارمر کی خستہ حالت کی وجہ سے لوگوں کو اکثر دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کھمبوں پر لگائی گئی تارے برسوں پرانی ہیں جو تیز ہواؤں کے چلنے سے اکثر ٹوٹ جاتی ہیں، اور محکمہ بجلی کی لاپرواہی کا خوب اندازہ جموں کے گرما علاقے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک طرف بجلی کی تارے ٹوٹے ہوئے کھمبوں سے جوڑ کر جگاڑ کیا گیا ہے، وہیں بجلی کے ٹرانسفارمر کے آس پاس جنگلہ نہ لگانے سے یہاں ہر وقت خطرے کی گھنٹی بجتی ہی رہتی ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق ذرا سی تیز ہوا کے چلنے سے تارے ٹوٹ جاتی ہیں اور بجلی ہفتوں تک غائب ہو جاتی ہے، اور انتظامیہ ہے کہ سب دیکھتے ہوئے جیسے کچھ دیکھ نہیں سکتی ہو۔ یہ جنگل وغیرہ نہیں ہے، ٹرانسفارم جڑے لائے دے نا تے ڈنگرے دا کوئی بڑا خطرہ سانو، اس واسطے کہ کافی کے جگہ دیکھا کہ جنگل جنگل ہے نہیں تے جنگل بچنا چاہیے۔ مطلب کافی سارے ایریے بچنا علاقے چ نو شہر علاقے چ جن ٹرانسفارمر نے سب زمین کے اوپر پے دے کوئی تار نہیں آلا دوالا، اس واسطے یہ کوئی انتظام سینٹرل گورنمنٹ کو کرے۔ جموں کے پریڈ گراؤنڈ میں جموں کشمیر پولیس جونیئر کے کھیل مقابلوں میں کل دو مقابلے کھیلے گئے۔ اس موقع پر جموں کشمیر پولیس کے اعلیٰ عہدیدار مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر پولیس قوم کی خدمت کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل میں نئے زمانے کے کھیلوں کو بھی رائج کرانے میں مدد کر رہی ہے تاکہ قوم کے نوجوان قوم کے لیے معمار بن سکیں۔ آج اس کا دوسرا ٹیسٹ میچ چل رہا ہے،
पहला टेस्ट मैच इसका 31 को हुआ था जो कि जेकेपी जूनियर ने जीता था फर्स्ट इनिंग लीड से। आज इसका दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है और इसका जो फाइनल मैच होगा ये 4 को होगा। ये टूर्नामेंट डीआईजी जम्मू शकील बेग की देखरेख में करवाई जा रही है। इसका जो मेन मकसद यही है कि जो हमारे पुलिस अफसरों के बच्चे हैं और पुलिस ऑफिशल्स के बच्चे हैं, एक हमने एक महीना पहले इसका टीम को लॉन्च किया था और इनको एक प्लेटफॉर्म दिया है कि ताकि ये अपना जो है जो स्पोर्ट्स टैलेंट है उसको एग्जिबिट कर सके। ये इनका अभी फर्स्ट टूर्नामेंट है। डिपार्टमेंट की तरफ से यह है कि इस तरह के रेगुलर जो इवेंट करवाए जाएंगे ताकि इनको ज़्यादा। जम्मू कश्मीर पुलिस जम्मू में खेल मुकाबले मुनक्कद करा रही है। और दूसरी खबरों में जम्मू कश्मीर का ही मामला, और जम्मू कश्मीर में इन दिनों ठंड भी चल रही है। वादी कश्मीर में कम अज कम दर्जात में बदस्तूर कमी वाका हो रही है और खिते लद्दाख के लेह और करगिल में सीजन की सर्द तरीन रात भी इसलिए इन्हीं दिनों रिकॉर्ड की गई है। और लेह में कल रात का दर्जात -17.1 डिग्री सेल्सियस भी रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर में कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। -माइनस होता है, जबकि श्रीनगर में सीजन की सर्द तरीन रात 27 दिसंबर 2014 को रिकॉर्ड की गई थी और तब यहां कम अज कम दर्जा हरारत -5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी का सिलसिला जारी है और जिसके नतीजे में आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। आबी जखायर मुंजमद होने के नतीजे में सूठाल और संगीन बनती जा रही है और श्रीनगर में रात का दर्जरात में उतार चढ़ाव पिछले 4 दिनों से बराबर जारी है। मौसमियात के तर्जमान के मुताबिक गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर काजीगुंड में कम अज कम दर्जा हरारत -5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसमियात के तर्जमान के मुताबिक दर्जा हरारत नुक्ते अंजमाद से नीचे गिराने के बाद पूरी वादी यख बस्ता तेज हवाओं की लपेट में है और आइंदा 24 घंटों के लिए मौसम में कुछ तब्दीली की उम्मीद भी है। कुछ एक मुकामात पर आज हल्की हल्की बर्फबारी और बारिशों का भी इम्कान है और इन बारिशों से हो सकता है कि दर्जा हरारत में किसी हद तक बढ़ोतरी ही हो जाए। आपको बताते चले, इन दिनों वादी कश्मीर में मौसम सरमा का शहनशाह कहलाने वाला चिले कलान चल रहा है और 21 दिसंबर से ये चिले कलान जो शुरू हुआ है ये सबका चिला चिला करा रहा है। श्रीनगर में किस तरह का मौसम, किस तरह की और जानकारी के लिए सीधा चलते हैं श्रीनगर। अशफाक गौहर हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। अशफाक बताइए मौसम कैसा श्रीनगर का, कल तो धूप निकली थी, अभी का क्या हाल है? देखिए सरम, जैसा कि आपने खुद एक पूरा खाका खींचा है कि किस तरीके का मौसम रहा है कश्मीर घाटी में, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो सुबह काफी धुंध होने की वजह से जो ट्रैफिक मूवमेंट थी वो सड़कों से काफी कम थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके धूप बाहर आना शुरू हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि धुंध का जो असर है वो कम होगा और लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बिजनेस की ओर आ रहे हैं। लेकिन सुबह से लेकर अभी तक की अगर बात करें तो हवाएं काफी ठंडी है और मौसम विभाग का मानना है, मौसमियात महकमे का मानना है कि अभी मौसम जो है कुछ इसी तरीके का रहेगा, यानी -5 से -7 के बीच में रात का टेम्परेचर चला जाएगा, जिससे जितने भी आबी जखायर है यहाँ पर, चाहे वो डल की बात करें, वोलर की बात करें या आपकी वाटर रिसोर्सेज जो है जहां से रोजमर्रा का पानी जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है वो आती है, वो मुंजमित हो जाते हैं और उस वजह से आम लोगों को काफी मुश्किलात पानी की वजह से यहाँ सुबह सुबह देखने को मिलती है। उसके साथ साथ अगर आज के दिन की अभी की हम बात करें तो माना जा रहा है कि दिन में जो मौसम है वो थोड़ा सा ठंडा रहेगा, बादल के साथ साथ जो है धूप भी हल्की हल्की बाहर आ गई है अभी थोड़ी देर पहले हमारी मौसम विभाग के जो अधिकारी है। अशफाक बहुत कम वक्त है, अशफाक बहुत कम वक्त आपसे जानना चाहूंगा चलते चलते कि इस वक्त मौसम महकमे ने बताया था कि आज बर्फबारी की उम्मीद है, दूर दूर तक कहीं बर्फबारी के आसार दिखाई दे रहे हैं? देखिए प्लेन एरियाज में तो अभी बर्फबारी की कोई इम्कान नहीं है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज की जहां तक बात है वो कल मुमकिन है कि कल शाम तक वो यहां पहुंच जाए और कल उसका असर यहां देखने को मिले, जिस तरह से हमने उत्तराखंड और आसपास के एरियाज में देखा कि कड़ाके। चलिए चलिए अशफाक, अशफाक बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ ही श्रीनगर से अशफाक गौर जानकारी दे रहे थे। कश्मीर में मौसम ठंडा, बर्फबारी अभी हो नहीं रही है, लेकिन यहां पे मेरा वक्त अब अख्ताम पसीर हुआ चाहता है। अगले बुलेटिन में फिर करेंगे आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।